हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिव स्टूडियो ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज हम बिहार सिविल जज एग्जाम 2020 के विधि प्रश्न पत्र को देखेंगे, जो कि 6 दिसंबर 2020 को हुआ है। उसके आंसर्स की को देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। फ्रेंड्स, इससे पहले हम आंसर्स को आपको बताएं कि ये मॉडल टेस्ट पेपर डी है, तो आप प्रश्नों को अपने पेपर के हिसाब से सेट कर लें। क्वेश्चंस के आंसर्स को देखें और क्वेश्चंस को देखें, जैसे कि आपके पास जो भी पेपर हो, सी डी जो भी हो, तो ये पेपर जो है सेट डी है। डी के अनुसार क्वेश्चंस को देखते हैं। तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को रखा था। तो प्रश्न के अनुसार आंसर ए सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, संविधान बनाने का काम पूर्ण कब हो गया था। तो संविधान बनाने का काम अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हो गया था, और 26 नवंबर 1949 को संविधान को प्रस्तावना के अनुसार अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित किया गया था। 26 नवंबर को करीब 15 अनुच्छेदों को प्रवर्तन हुआ था, बाकी जो शेष अनुच्छेद थे उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इस प्रकार संविधान की जो अधिनियमित तिथि है वो 26 नवंबर 1949 है, और संविधान की प्रवर्तन तिथि 26 जनवरी 1950 को कहा जाता है। तो प्रश्न के अनुसार संविधान बनाने का संपूर्ण काम जो हुआ था 26 नवंबर 1949 को हो गया था, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, मौलिक अधिकारों की संकल्पना को किस संविधान से लिया गया है। तो पहला है कि ब्रिटिश संविधान से विधि का शासन को लिया गया है, अमेरिका की संविधान से मूल अधिकारों की संकल्पना को लिया गया है, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है, और कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था को लिया गया है। तो प्रश्न के अनुसार मौलिक अधिकारों की संकल्पना को अमेरिकी संविधान से लिया गया है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, संविधान में डीपीएसपी का क्या उद्देश्य है। तो डीपीएसपी का उद्देश्य दो उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो प्रश्न के अनुसार आंसर ये सही है, कई कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित है। समितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो प्रश्न के अनुसार पंचायती राज संस्था से जो संबंधित समिति है बलवंत राय मेहता समिति है, क्योंकि बलवंत राय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था को गुजरात में ही लागू किया गया था। तो आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट, भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में किसने सेवा की थी और कौन सेवा कर रहा है। वर्तमान में रामनाथ कोविंद तो सेवा कर रहे हैं, परंतु प्रश्न है कि 12वें राष्ट्रपति के रूप में किसने सेवा की थी। तो जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी पाटिल सिंह, जो कि 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी, तो 12वें राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल ने सेवा की थी। तो प्रश्न के अनुसार आंसर सी सही है, और प्रणब मुखर्जी जो थे 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे, और 14वें नंबर में इसमें वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की जो अपॉइंटमेंट होता है, हाई कोर्ट की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है, वो कि राज्यपाल की द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि आर्टिकल 165 में प्रावधान दिया गया है। तो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, उप प्रधानमंत्री का पद कैसा पद होता है। तो उप प्रधानमंत्री का पद तो संवैधानिक नहीं है, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान जो दिया गया है वो संवैधानिक है, परंतु उप प्रधानमंत्री का पद एक गैर संवैधानिक व्यवस्था है, जो कि सिर्फ प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में संसद या अन्य स्थानों पर सरकार की प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो आंसर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, संविधान का कौन सा भाग है जो कि वित्त संपत्ति अनुबंध और बाध्य सूत्र से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आपको रोमन की गिनतियाँ आना बहुत जरूरी है। तो
पहला है कि भाग 12, भाग 12 में संविधान में जो प्रावधान दिया गया है वित्त संबंधी, संपत्ति संबंधी और अनुबंध और वाद संबंधी प्रावधान भाग 12 में दिए गए हैं, और भाग 13 में जो दिया गया है भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, और जो भाग आपका है 17 इसमें राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, और भाग 19 में मिशनेशन के बारे में बताया गया है जो कि प्रकरण के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो प्रश्न के अनुसार आपका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा के बारे में प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद डी है, सॉरी आंसर डी है आपका, अनुच्छेद 243 ZM, क्योंकि सहकारी समितियों के लेखा परीक्षा के बारे में प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 किसको परिभाषित करता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 279 है वो शुद्ध आगम की गणना के बारे में प्रावधान करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और पेशे पर कर जो है वो 276 में दिया गया है, और 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, और 275 में संघ से कुछ राज्यों को अनुदान के बारे में बताया गया है। प्रश्न के अनुसार आपका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से किस मामले में जस्टिस हिदायतुल्ला ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और शाश्वत अटल है? फ्रेंड, जैसे कि ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें मैं जस्टिफाइड नहीं हूँ, परंतु जो केशवानंद भारती 1973 के मामले में प्रस्तावना को जो संविधान का भाग माना गया है, और उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का आधारभूत ढांचा है। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अधीन जो पारित है वो संवैधानिक संशोधन विधि नहीं है, और 24वां संविधान संशोधन विधिमान्य है। तो 24वें संविधान संशोधन को विधिमान्य माना गया है, इसी के अनुसार ये कहा जा सकता है कि आंसर सी सही है, केशवानंद भारती के मामले में, जिसको जस्टिस हिदायतुल्ला ने समर्थन भी किया है और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और शाश्वत अटल कहा है, जबकि बेरू वारी 1960 के मामले में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। तो इस आधार पर आपका क्वेश्चन सी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की मूल विशेषता का एक प्रतीक है? तो ऐसा जस्टिस सीकरी ने कहा है, आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, कानून का समान संरक्षण की अवधारणा को जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित है कहाँ से अपनी जड़ पाती है? तो कानून के समक्ष समानता तो ब्रिटिश संविधान से उत्पन्न हुई है, और जो कि कानून का समान संरक्षण है ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो इसके अनुसार आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि गैर कानूनी कार्रवाई को वैध मानने के लिए समानता खंड लागू नहीं किया जा सकता है? इसका जस्टिफिकेशन नहीं हो पाया है फ्रेंड्स। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आयोग की ऑफिशियल जो आंसर की आएगी उसी से जस्टिफिकेशन हो पाएगा, तो इसको आप छोड़ दें। आपको एक्सपेक्टेड आंसर की दी जा रही है, जिसमें से हो सकता है कि 8-10% के आंसर आपको ना मिल सके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 46 में SC/ST अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा संबंधी प्रावधान को दिया गया है, और अनुच्छेद जो कि 49 है इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों को संरक्षण के बारे में बताया गया है, और जो अनुच्छेद 51 है इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। तो प्रश्न के अनुसार आपका आंसर सी सही है, जबकि 53 में ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार की सभी कार्रवाइयों को किसके नाम से किया जाएगा? तो अनुच्छेद 77 के अनुसार जो भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी वो राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया है? 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 को, जो कि NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में प्रावधान दिए गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया था, जिसे 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99 संविधान संशोधन एवं NJAC दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो प्रश्न के अनुसार आपका आंसर सी सही है कि 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21,
न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या है जिन्हें संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के पर्याप्त प्रसंग से संबंधित किसी भी मामले को तय करने के उद्देश्य बैठना होगा? तो जैसा प्रश्न के अनुसार यदि आर्टिकल 145 का निर्वचन करेंगे तो न्यायाधीशों की जो न्यूनतम संख्या है वो 5 न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था की गई है। तो आंसर प्रश्न के अनुसार आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ के खातों से संबंधित अपनी रिपोर्ट कहाँ जमा करेंगे, इसको जमा करेंगे? आर्टिकल 151 के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो संघ के खातों संबंधी अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष रखेंगे और राष्ट्रपति उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे। तो प्रश्न के अनुसार आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से किसके पास अखिल भारतीय सेवाओं का विस्तार करने की अनन्य शक्ति है, वो है संसद के पास, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संघ की भाषा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार संघ की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी, वो भी देवनागरी लिपि में होगी। तो प्रश्न के अनुसार आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रीवी काउंसिल के निर्णयों को बचाता है, अनुच्छेद 395 है जो कि अंतिम अनुच्छेद है संविधान का जो कि निरसन के बारे में बताता है, परंतु अनुच्छेद 395 कहता है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 कथित अधिनियम की संशोधक या अनुपूरक सभी अधिनियमितों के साथ जिनके अंतर्गत प्रीवी काउंसिल अधिकारता उत्साधन अधिनियम 1949 नहीं है। तो प्रीवी काउंसिल अधिकारता उत्साधन अधिनियम 1949 को छोड़ करके इसके द्वारा निरसन किया जाता है। तो 395 अनुच्छेद जो है वो प्रीवी काउंसिल के निर्णय को सेव करता है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, भारतीय संविधान की समीक्षा करने के लिए बने प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति वैकेंट चलैया थे, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित में से किस रिट को न्यायिक उपाय के रूप में भी जाना जाता है, तो रिट के बारे में प्रावधान जो कि आर्टिकल 32 एवं 226 में दिया गया है, 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैवेस कार्पस, और दूसरा है परमादेश मैंडमस, और तीसरा है प्रतिषेध प्रोहिबिशन, और चौथा है उत्प्रेषण सरेसरी, और पांचवा है आपका अधिकार प्रक्षा क्यू वारंटो। तो बंदी प्रत्यक्षण में बंदी के अधिकारों के हितों का संरक्षण के बारे में बताता है, और परमादेश लोक सेवक को आदेशित करता है कि वो अपने कार्य नियत समय से करें, और जो प्रतिषेध है वो अधीनस्थ न्यायालयों को अधिकारों से बाहर करने की शक्ति से रोकता है कि कोई भी कार्य अधिकारता से बाहर नहीं किया जाएगा, उस पर रोक लगाता है। और वही उत्प्रेषण में अधीनस्थ न्यायालय को अधिकारता से बाहर कार्य करने पर रोका जाता है। अधिकार परीक्षा में कोई भी व्यक्ति जो कि सरकारी पद पर है अगर वो गलत तरीके से पद पर आता है तो उसको पूछा जाता है कि उसने किस आशय से पद को ग्रहण किया है। तो प्रश्न के अनुसार न्यायिक उपाय के बारे में जो कि बंदी प्रत्यक्षण हैवियस कार्पस है जो कि बंदी के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती है, तो प्रश्न के अनुसार आंसर आपका ये सही हो जाएगा, हैवियस कार्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, अनुच्छेद 352 के तहत जारी प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, वित्त आयोग में शामिल हैं, तो वित्त आयोग में कुल 5 लोग शामिल होते हैं जिसमें से एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 5 सदस्य लिखे हुए हैं, आंसर ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट दे रखा है कि एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। तो आंसर आपका प्रश्न के अनुसार सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, UPSC की संरचना को संविधान में रखा भी गया है और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भी किया जाता है, तो ये प्रश्न के आंसर दोनों सही हो सकते हैं, परंतु पहला आंसर सही होगा मे बी कि संविधान में रखा गया है, बिल्कुल रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 से संबंधित है, 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जिला न्यायाधीश शब्द में न्यायाधिकरण न्यायाधीश शामिल नहीं होंगे, तो अनुच्छेद 236A के अंतर्गत जिला न्यायाधीश शब्द में न्यायाधिकरण न्यायाधीश शामिल नहीं होंगे, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, मुख्यतः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 356 के अनुसार
राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, किस अनुच्छेद में कानून की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत दिया गया है? तो कानून की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत सर्वप्रथम मेनका गांधी 1978 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने विधि की उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का निर्वचन किया और उसके अधीन अनेक मामलों को जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अंतर्निहित अधिकार थे उनको अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया है। प्रश्न के अनुसार आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, शक्ति प्रकरण के सिद्धांत को सुव्यवस्थित रूप से किसने निरूपित किया है? तो शक्ति प्रकरण के सिद्धांत को मॉन्टेस्क्यू ने निरूपित किया है। आंसर सी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, विधि का शासन से क्या तात्पर्य है? विधि के शासन को डायसी के द्वारा बताया गया है कि विधि की सर्वोच्चता एवं विधि के समक्ष समानता। तो प्रश्न के अनुसार आंसर आपका 2 और 3 सही है, तो आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है दिए गए कूट की सहायता से। तो फ्रेंड्स, इसमें से यदि आपको 1, 2 भी आंसर आते हैं तो आप प्रश्न को सही कर सकते हैं। जैसा कि ऊपर लिखा था कि विधि के समक्ष समानता, तो एक विधि का शासन है तो जो कि बी का है वो पहला हो जाएगा, यहाँ पे देख लें। और आपको शक्तियों का पृथक्करण अगर पता है तो न्यायिक एवं नियंत्रण एवं संतुलन से संबंधित है, और प्रत्यायोजित विधायन जो होता है वो अधीनस्थ विधायन को कुछ कार्य करने की शक्तियाँ सौंप दी जाती हैं, उसको प्रत्यायोजित विधायन कहते हैं, डेलीगेटेड पावर्स लेजिलेशन। तो प्रश्न के अनुसार आपका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 38 मेरे अनुसार से आंसर सी सही है, जो कि ए बी की अपेक्षा अधिक उपयुक्त आंसर है। बाकी की जो आयोग की ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके आधार पर निर्धारित हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को 39 है, अपराधों में प्रतिनिधित्व दायित्व के सिद्धांत को लागू करने में वांछनीयता से अधिक आवश्यकता के कारण संभव हुआ है, इसका औचित्य किस पर आधारित है? तो इसका औचित्य लोक नीति पर आधारित है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, प्रशासनिक विधि प्रशासनिक संस्थाओं की शक्तियों तथा प्रक्रिया संबंधी विधि है, खास तौर पर प्रशासनिक कार्य की न्यायिक समीक्षा के निरीक्षण संबंधी विधि इसमें शामिल है। इस प्रशासनिक विधि की परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा, आइवर जेनिंग्स ने दी है, क्योंकि प्रशासनिक विधि में प्रशासनिक संस्थाओं की शक्तियों तथा प्रक्रिया संबंधी विधि है, ये परिभाषा सर आइवर जेनिंग्स ने दी थी, क्योंकि प्रशासनिक विधि की सर्वोच्च परिभाषा मानी जाती है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, दाया भाग के प्रवर्तक कौन है? दाया भाग के प्रवर्तक और लेखक हैं जी मूतवाहन, और जो विज्ञानेश्वर हैं वो मिताक्षरा के लेखक हैं। प्रश्न के अनुसार आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में एक हिंदू विवाह को शून्य घोषित किया गया है? तो धारा 9 है, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स के बारे में बताता है, और सेक्शन 10 न्यायिक प्रतिकरण जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बताता है, और जो सेक्शन 11 है वो शून्य विवाह वाइड मैरिज के बारे में बताता है, और जो सेक्शन 12 है शून्यकरणी विवाह वाइड एवल मैरिज के बारे में बताता है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर आपका सी सही है, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 धर्मिष्ठता प्रदान नहीं करती है उनको जो बच्चे उत्पन्न हुए हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 16(1) में शून्य विवाह जो कि धारा 11 में दिए गए उनको बताती है, और 16(2) जो बताती है शून्यकरणी विवाह जो कि धारा 12 में दिए गए, तो दोनों में धर्मिष्ठता तो प्रदान की गई है और विधिमान विवाह के बच्चे भी धर्मज होते हैं। तो प्रश्न के अनुसार जो आंसर आपका बिना विवाह के जो बच्चे होंगे उनको धर्मिष्ठता प्रदान नहीं करती है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16, तो आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक दत्तक लिए जाने वाले बच्चे की आयु मान्य रूढ़ी के अभाव में पूरी नहीं होनी चाहिए। तो जो मान्य प्रथा एवं जो रूढ़ी है उसके अनुसार 15 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए उसी बच्चे को दत्तक लिया जा सकता है, 15 वर्ष के बच्चे को दत्तक नहीं लिया जा सकता है, तो पूरी नहीं होनी चाहिए, 15 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न के अनुसार आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के पश्चात मिताक्षरा हिंदू समुदाय की में निम्न में से कौन सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं है? तो पुत्र तो सम्मिलित होते थे, विवाहित पुत्री भी इसी के विवाहित पुत्री के आधार पर ही 2005 में संशोधन किया गया है हिंदू उत्तराधिकार में
विवाहित पुत्री भी सैदायकी में सम्मिलित है और दत्तक पुत्र भी सम्मिलित है, पुत्र वधु को मिथाक्षरा हिंदू सैदायकी में सम्मिलित नहीं किया गया है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, एक हिंदू पुरुष अपने पीछे एक दत्तक पुत्र, एक पश्चात दत्तक उत्पन्न एक नैसर्गिक पुत्र एवं एक विवाहित पुत्री को छोड़कर मरता है तो उसकी स्वय अर्जित संपत्ति मिलेगी। तो यहाँ पे दत्तक पुत्र को भी मिलेगी और उसके पश्चात जो उसका नैसर्गिक पुत्र है उसको भी मिलेगी, उसके साथ जो विवाहित पुत्री वो किसी सैदायकी में जुड़ी जा चुकी है तो उसको भी मिलेगी। तो तीनों को 1/3 बराबर बराबर हिस्से मिलेंगे, तो तीनों को बराबर हिस्से मिलेंगे। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, एक हिंदू नारी अपने पीछे एक सौतेला पुत्र, एक विवाहित पुत्री एवं एक अधर्मज पुत्र को छोड़कर मरती है तो उसकी संपत्ति किसको मिलेगी। स्टेप सन को छोड़ करके उसकी जो विवाहित पुत्री है उसको भी मिलेगी, अधर्मज पुत्र जो है उसको भी मिलेगी। तो आंसर देखते हैं, उसकी पुत्री एवं उसके अधर्मज पुत्र, प्रश्न के अनुसार आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, हिंदू समुदाय की संपत्ति के विभाजन पर अंश पाने का अधिकारी व्यक्ति कौन नहीं है। तो दत्तक पुत्र होता है, विवाहित पुत्री भी होती है, समुदाय की विधवा भी होती है क्योंकि वो पुत्र की बहू होती है। तो अधर्मज पुत्र है उसको अंश नहीं मिलेगा, तो आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, स्त्री धन में सम्मिलित नहीं है, एक नारी का सतीत्व सम्मिलित नहीं होता है, बाकी उसको मिले उपहार भी स्त्री धन में आते हैं, उसके द्वारा करी गई संपत्ति भी स्त्री धन होती है, उसको उत्तराधिकार में मिली संपत्ति भी स्त्री धन होती है। बी सी डी स्त्री धन में आते हैं और जो सम्मिलित नहीं है वो नारी का सतीत्व सम्मिलित नहीं है, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, एक हिंदू मूर्ति की वैधानिक स्थिति क्या है, क्या वयस्क पुरुष की है, वयस्क महिला की है, महंत की है, हिंदू अवैस्क की है, तो महंत की है, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, मुस्लिम विधि के स्रोतों में सर्वोत्तम कौन है, तो सबसे सर्वोत्तम जो है वो कुरान है, आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, सुन्नी विधि मान्यता नहीं देती है, सुन्नी विधि मुता विभाग को मान्यता नहीं देती है, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, बिना मेहर के एक मुस्लिम विवाह शून्य होता है, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, अजन्मे बच्चे के पक्ष में किया गया विवाह शून्य है, आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, एक गर्भस्थ बच्चे को वसीयत की जा सकती है बशर्ते उसका जन्म वसीयत करने के 6 माह में हो जाता है तो उसको की जा सकती है, आंसर प्रश्न के अनुसार ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, एक वक्फ का सृजन नहीं किया जा सकता है, अली मुर्तजा का जन्म दिवस मनाने के लिए किया जा सकता है, एक खानकाह के रखरखाव के लिए भी किया जा सकता है, पुल के निर्माण के लिए भी किया जा सकता है, गिरजाघर के निर्माण हेतु वक्फ का सृजन नहीं किया जा सकता है, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, अभिस्वीकार करने वाले एवं अभिस्वीकृत किए बच्चे के मध्य आयु का अंतर होना चाहिए कम से कम 12.5 वर्ष का, आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, एक अवयस्क पत्नी की हिजानत, हिजानत का मतलब होता है कस्टडी अभिरक्षा रहेगी उसके पति के पास, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, एक अधर्मज सिया मुसलमान निर्वसति मर जाता है उसकी संपत्ति किसको मिलेगी, उसकी संपत्ति उसको जो माता होगी उसको मिलेगी, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, 4 पूर्व पत्नियां के होते हुए एक सिया मुसलमान ने 5वीं शादी कर ली, ये 5वां विवाह कैसा है। चूंकि सुन्नी समुदाय में मुता विवाह को मान्यता नहीं दी गई, जो 5वां विवाह होता है वह मुता विवाह कहलाता है और सिया विवाह में 5वां विवाह किया जा सकता है परंतु वो वैध तो नहीं हो सकता है, वो अनियमित होता है, इरेगुलर, तो आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है कोर्ट की सहायता से, इसमें भी सिंपल सा मिलाने का होता है कि यदि इसमें से आपको एक दो भी धाराएं पता होंगी तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, जैसे कि स्वास्थ्यता के विरुद्ध नियम 14 में बताया गया, संचयन का जो नियम दिया गया 17 में बताया गया, प्रत्याशन का नियम 92 में बताया गया है और जो विबंध स्टोपेल द्वारा अनुदान दिया जाता है वो 43 में बताया गया है, तो प्रश्न के अनुसार आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, प्रतिस्थापित प्रतिभूति के सिद्धांत से संबंधित प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में दिए गए हैं, तो धारा 73 में प्रावधानित किया गया है, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, पट्टा एवं अनियुक्त के बीच में अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इन सभी प्रश्नों के आधार पर देखा जाए तो आंसर 1, 2, 3, 1, 3, 4 सही हैं, आपका आंसर इसमें डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित में से लिखित में होना एवं पंजीकृत होना निम्नलिखित में से किस बंधक में आवश्यक नहीं है,
भोग बंधक में आवश्यक है, साधारण बंधक में भी आवश्यक, अंग्रेजी बंधक में भी आवश्यक है। स्वत्व के दस्तावेजों को जमा करके किया गया बंधक में पंजीकरण होना आवश्यक नहीं है। आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। निम्नलिखित में से कौन सा शाश्वतता के विरुद्ध नियम का अपवाद नहीं है? इसका प्रश्न के अनुसार आंसर यह निहित हित पर लागू नहीं होता है, ये आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। लिस्ट पेंडेंट का शाब्दिक अर्थ क्या है? लिस्ट पेंडेंट का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि एक ऐसा बात जो कि न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो, उसको लिस्ट पेंडेंट विचाराधीन बात के नाम से जाना जाता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है लिस्ट पेंडेंट। तो आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। संपत्ति अंतरण अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा किसी अचल संपत्ति को अंतरण करने के लिए सक्षमता का प्रावधान करती है? तो धारा 7 सक्षमता का प्रावधान करती है, क्योंकि धारा 7 अंतरण करने में सक्षम व्यक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत संपत्ति के संचयन के लिए एक अवधि से अधिक रोक लगाती है? धारा 17 डायरेक्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के संचयन के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। क्रमबंधन व विधान का सिद्धांत जो कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की विधि का एक सिद्धांत है, संबंधित है, प्रतिभूतियों से संबंधित है। क्रमबंधन का सिद्धांत ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 56 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। जहां एक ऐसी संपत्ति का दान किया गया है जो अस्तित्व में नहीं है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा इसको शून्य करती है? तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 124 इसको शून्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। साम्य का प्रारंभिक सूत्र क्या है? अंताकरण, कॉन्सिक्वेंस, चूंकि साम्य जो आती है अंताकरण से निकल के आती है, तो आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। साम्य के सिद्धांतों की संवैधानिक मान्यता नहीं पाई जाती है, तो माल विक्रय अधिनियम 1930 में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। साम्य का क्षेत्राधिकार त्रिक्षेत्रीय है, अनन्य समवर्ती और असहाई है, ये कहा गया है, ये ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। साम्य के अंग्रेजी नियमों को भारतीय विधायिका द्वारा सारभूत रूप में समाविष्ट किया गया है, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक न्याय समाप्त होता है? तो जो तीनों परिस्थितियां दी गई सभी में समाप्त हो जाता है, आंसर डी सही है प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है। भारतीय न्याय अधिनियम 1882 की किस धारा के अंतर्गत न्याय भंग को परिभाषित किया गया है? तो धारा 3 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक का सृजन नहीं कर सकता है? एक अवैसक न्यायिक का सृजन नहीं कर सकता है, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। विशिष्ट अंतोष अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विशिष्ट अचल संपत्ति का प्रतिध्वन किया जा सकता है दीवानी प्रक्रिया संहिता की विधि के अनुसार, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। ये सामान्य सिद्धांत जिस पर शाश्वत प्रादेश अनुदत्त किए जाते हैं समाहित हैं धारा 38 में, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 है। अज्ञापक प्रादेश द्वारा अनुतोष है, विवेकाधीन है, क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 151 में इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, तो ये न्यायालय के विवेकाधीन होता है। अज्ञापक प्रादेश का अनुतोष देने कि दे या ना दे, तो आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। प्रतिफल के बिना संविदा होगी, प्रतिफल के बिना संविदा शून्य होगी, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। संविदा के लिए आवश्यकता की आयु है 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। ए अपने खोए हुए कुत्ते को किसी के द्वारा खोजे जाने पर उस व्यक्ति को 1000 रुपये देने का प्रस्ताव करता है, ये एक ओपन प्रपोजल है जो कि जनरल प्रपोजल सामान्य प्रस्ताव है, तो आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। जब क्षतिपूर्ति को निर्धारित नहीं किया जा सकता है तो न्यायालय पक्षकार को दे सकता है, तब जब क्षतिपूर्ति को निर्धारित नहीं किया जा सकता है तो न्यायालय जो भी क्षतिपूर्ति होगी रिजनेबल कंपेंसेशन होगा उसको दे सकता है, तो आंसर्स में देखते हैं वास्तविक क्षतिपूर्ति, परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति, प्रतीकात्मक क्षतिपूर्ति, नाममात्र क्षतिपूर्ति, यहाँ पे आपको रिजनेबल क्षतिपूर्ति के बारे में कहीं पर नहीं दिया गया है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि इस पर ऑब्जेक्शन आ जाए, उसको आप देख लें आयोग की जो ऑफिशियल आएगी आंसर की उसी से निर्धारित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 85 है। नॉन ईस्ट फैक्टम का अर्थ है अज्ञानता में निष्पादित दस्तावेज, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। संविदा का विफलीकरण नहीं किया जा सकता है वाणिज्यिक असमर्थता के द्वारा, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा परिवर्तनीय हों किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, ऐसे
हैं वो शून्यकरणी संविदा होते हैं। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। वचनात्मक विबंध पर निम्न में से कौन सा एक केस है? और तो फ्रेंड्स 88 क्वेश्चन में आई एम नॉट श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 89। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहिता के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है। आंसर भी सही है क्योंकि यहाँ पे प्रतिग्रहण प्रतिग्रहिता के विरुद्ध पूछ रहा है ना कि प्रस्तावक के विरुद्ध पूछ रहा है। तो प्रतिग्रहिता के विरुद्ध जब आएगी, जब वो प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाएगी तो वो प्रस्तावना है संपूर्ण, संसूचना संपूर्ण हो जाती है। तो आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लोकनीति हेडले बनाम बैक्सडेल का मामला, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1997 ने संशोधित किया है भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 28 को। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। संविधान में दायित्व की प्रकृति में परिवर्तन को कहा जाता है? परिवर्तन ही कहा जाता है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत केवल अवयस्क की संपत्ति उत्तरदायी है? आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। चलत प्रतिभूति परिभाषित है? डायरेक्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 129 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। पंगम करार होते हैं? पंगम करार धारा 30 में दिए गए हैं जो कि शून्य करार होते हैं। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। अपकृत्य में कबूतर का घोंसला सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था सामन के द्वारा? इंजन होल। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। घटना स्वयं बोलती है संबंधित है? रेप्स इक्सा लेक्यूटर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 से संबंधित है जो कि साक्ष्य के नियम है? तो आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। कठोर दायित्व के नियम को प्रतिपादित किया गया है जस्टिस ब्लेक बर्न ने? आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। क्यू फैसिट पर एल्यूम फैसिट पर सी का क्या अर्थ है कि प्रतिनिधिक दायित्व? आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। अपराधों को निजी अपराध और लोक अपराध के रूप में किसने विभाजित किया है? ब्लैक स्टोन ने किया है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। अपकृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा वैध बचाव नहीं है? तो साइंटी नॉन फिट इंजुरिया ये कोई वैध बचाव नहीं है। बाकी वैलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, देवी आपदा, पिस मेजर, सहमति, ये तीनों वैध बचाव हो सकते हैं लेकिन जो बचाव नहीं है वो नॉन फिट इंजुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। बिना क्षति के हानि सूत्र का क्या अर्थ है कि विधिक अधिकार के उल्लंघन के बिना क्षति को कहते हैं बिना क्षति के हानि? आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। अपकृत्य विधि के अंतर्गत कर्तव्य है? अपकृत्य विधि के अंतर्गत जो कर्तव्य होंगे वो समस्त संसार के प्रति होंगे? आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार भी है? UBI रेमेडियम IVIS के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी SP बनाम वाइट के मामले में? आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। स्वतंत्र अपकर्ता का दायित्व है केवल पृथक? आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। आत्यंतिक दायित्व का नियम बताता है कठोर दायित्व की अपेक्षा कठोरतम दायित्व है? आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। उपेक्षा के अपकृत्य की कार्रवाई की सफलता के लिए क्या सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो अविरल क्षतिपूर्ति। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। मान हानि के लिए कोई कार्रवाई नहीं होती है? यदि मान हानि की सामग्री एक टेलीग्राम में हो तो हो सकती है, सूचना पट पर हो तब भी हो सकती है, एक पोस्ट कार्ड में हो तब भी हो सकती है, एक पत्र में, लेकिन पत्र डाक में नहीं जाता है और अपनी अपेक्षा में रखा है तो मानहानि की कार्रवाई नहीं हो सकती है? आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। उपताप के अपकृत्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बचाव है? चिरभोग, कानूनी प्राधिकारी, ए और बी दोनों? आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है कि IPC की धारा 95 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है? आंसर भी सही है। तुच्छ अंतर को अनदेखा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2(6) के तहत भविष्य के समान पद का क्या अर्थ है? माल जो कि अस्तित्व में नहीं है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। आई एम नॉट श्योर बट मे बी आंसर जो है वो बी हो सकता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
113 कैवियट इम्प्टर का क्या अर्थ है? कैवियट इम्प्टर के ता सावधान, तो इसका जो अर्थ है खरीदार को अवगत कराएं। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है जो कि बिक्री माल के एक नीलामीकर्ता द्वारा की जाती है और मुद्दा खरीदार को एक अच्छी हक स्वीकृति प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स इसमें भी आई एम नॉट श्योर, बट जो आंसर है वो डी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, एक विक्रेता क्रेता को उसके द्वारा मांगे गए सामान की मात्रा से अधिक मात्रा में सामान की पूर्ति कर देता है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो आंसर इसमें जो डी है वो गलत है। क्रेता संपूर्ण सामान को अपने पास रख सकता है लेकिन केवल आदेश किए गए सामान को भुगतान करना होगा उसको। तो आंसर डी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, हालांकि एक चेक कई तरह से विनिमय पत्र से मिलता जुलता है लेकिन ये भी दूसरे मामलों में एक अलग उपकरण है, इंगित कीजिए कि चेक और विनिमय पत्र के बीच अंतर के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फ्रेंड इस क्वेश्चन में भी आई एम नॉट श्योर बट आंसर सी हो सकता है। और जो सियोरिटी है वो ऑफिशियल आंसर की आएगी, उसी से हो सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ, तो टोटली शायद 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आई एम नॉट श्योर, बट बाकी के जो क्वेश्चन हैं उसको मैंने पूरा भरसक प्रयास किया है कि आपके आंसर सही होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को 118 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सम्यक अनुक्रम धारक के आवश्यक तत्वों के अनुकूल नहीं है? आंसर डी है, उसे लिखित को सद्भावनापूर्वक लिखित में बिना किसी दोष की सूचना के प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, इंग्लिश इंगित कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिखित के समानुदेशन और वार्ता के बारे में सही नहीं है? समानुदेशी अपने समानुदेशक के हक में किसी भी दोष के लिए उत्तरदायी नहीं है, परंतु पराक्रम के लिखित का सम्यक अनुक्रम धारक पूर्व हस्तांतरणकर्ताओं के हक में दोषों के लिए उत्तरदायी है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आंसर प्रश्न के अनुसार बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, निम्नलिखित परिस्थितियों में से इंगित कीजिए कि कब एक बैंकर चेक के भुगतान को इनकार करने में नियोजित नहीं है। चेक की तारीख प्रस्तुति की तारीख के बाद आती है। नेक्स्ट है ग्राहक के खाते में शेष राशि चेक की राशि को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा है कि ग्राहक ने भुगतान का प्रतिवाद किया है। और जो चौथा है वो ग्राहक दिवालिया हो गया है परंतु बैंक को इसकी सूचना नहीं मिली है, तो ऐसे में जो बैंक है वो भुगतान करने से इनकार नहीं कर सकता है, नियोजित नहीं है। तो आंसर डी सही हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत ने कंपनी की कामकाज में महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा कर लिया है लेकिन कई फैसलों ने इसे कई अपवादों के अधीन कर दिया है, इंगित कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा इस सिद्धांत का अपवाद नहीं है? तो जहाँ व्यवहार में फर्जीवाड़ा हुआ हो, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक कंपनी से संगम अनुच्छेद एवं संगम ज्ञापन के बीच सही संबंध को दर्शाता है? तो आंसर जो बी है, संगम अनुच्छेद संगम ज्ञापन के अधीन होते हैं और किसी भी असंगतता के मामले में संगम अनुच्छेद को संगम ज्ञापन की वैधता देनी चाहिए। तो आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, जब कोई कंपनी किसी अधिकारातीत समव्यवहार में शामिल हो जाती है तो इसके खिलाफ कई उपचार उपलब्ध होते हैं, इंगित कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न के अनुसार आंसर डी सही है कि एक अधिकारातीत संविदा विबंधन या अनुसमर्थन के कारण अंतरातीत संविदा नहीं बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, कंपनी अधिनियम 2013 ने न्यूनतम या अधिकतम निर्देशकों की सीमा प्रदान की है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? तो जो आंसर आपका डी है, सरकार के पूर्व अनुमोदन से कंपनी के विशेष संकल्प द्वारा इस सीमा से परे निर्देशकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी ए बी सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, किसी कंपनी में उत्पीड़न और कुप्रबंधन के मामले में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत नेशनल कंपनी विधि अधिकरण में एक आवेदन किया जा सकता है, कंपनी के शेयर पूंजी रखने के मामले में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो स्टेटमेंट बी है कि किसी एकल सदस्य द्वारा जो कंपनी की शेयर जारी शेयर पूंजी का 1/15 हिस्से से कम नहीं रखता है आवेदन किया जा सकता है, स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, भागीदार के लिए निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर है, समग्र विश्लेषण में ये प्रतीत होता है कि प्रत्येक एजेंसी आपसी भागीदारी पर आधारित है, आंसर ए सही है 126 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
127 एक निष्क्रिय भागीदार के लिए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक निष्क्रिय भागीदार फर्म की देयता के लिए बाह्य व्यक्तियों को उत्तरदायी नहीं है। आंसर भी जो है स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। निम्नलिखित कथनों में से इंगित कीजिए कि भागीदार के निहित अधिकार के बारे में कौन सा सही नहीं है फर्म के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए। तो आंसर सी जो है वे फर्म से संबंधित हक विलेखों को जमा करके एक साम्यपूर्ण बंधक बनाता है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उस नाबालिग के लिए सही है जिसे साझेदारी के लाभों में भर्ती कराया गया है? बी नाबालिग फर्म के खातों की जानकारी पाने के लिए भागीदारों पर मुकदमा नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। एक साझेदार सहमत समय से पहले साझेदारी फर्म को भंग करना चाहता है, चयन कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे भागीदार के लिए फर्म के विघटन के लिए एकदम आधार नहीं है। तो आंसर डी है कि मुकदमा करने वाला भागीदार दूसरे भागीदार की पत्नी के साथ व्यवचारी संबंध में, जिससे कि फर्म का व्यवसाय प्रभावित होने की आशंका है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। किसी पता के प्रमाण का तरीका किसमें निहित है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(4) में भी पता के बारे में प्रावधान किया गया है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(7) में भी अनुच्छेद 13(1) के संबंध में जो कि पता से संबंधित है के बारे में प्रावधान किया है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 48 भी प्रथा के संबंध में है। तो उपयुक्त सभी जो हैं वो तीनों आंसर सही हैं, तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का मामला किससे संबंधित है? तो मृत्युकालीन कथन से संबंधित है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। स्टॉपेल का सिद्धांत क्या है? स्टॉपेल विबंधन का सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 से 117 तक में प्रावधानित किया गया है। धारा 115 में विबंधन का सिद्धांत बताया गया है जो कि इक्विटी का एक नियम है, समता के सिद्धांत पर आधारित है, तो आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। एक विवाहित महिला के द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाए जाने की संभावना का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113(a) में प्रावधान किया गया है। मैरिड और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113(b) में दहेज मृत्यु के बारे में प्रावधान किया गया है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। जाहिरा शेख किसमें प्रमुख गवाह थी? तो बेस्ट बिक्री केस में 2004 में थी। आंसर ए सही है। और ये जो बी है बेस्ट बिक्री रियल ट्रायल केस में, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन करने के लिए दे दिया गया है, बाकी आंसर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। दीवानी प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रस्तुत व्यापक परिवर्तन किस उद्देश्य से किए गए थे? तो जो 1999 और 2002 का जो संशोधन हुआ है वो 1 जुलाई 2002 से प्रभावी है, तो उसको 2002 का संशोधन किया गया था, मुकदमे में जो देरी हो रही थी उसकी देरी को कटौती करने में किया गया था कि मामले का निपटारा जल्द हो सके, शीघ्र विचारण हो सके, तो उसका जो उद्देश्य था देरी में कटौती करना, तो मुकदमे के निपटान में देरी में कटौती करना था। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। दमदुपट का नियम किससे संबंधित है? तो ब्याज से संबंधित है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। स्थानीय जाँच करने के लिए आयोग किसके तहत गठित किया जा सकते हैं? तो CPC का जो ऑर्डर है आपका 26 नियम 9 CPC में दिया गया है प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। समीक्षा के लिए आधार किसके अधीन प्रावधान दिया गया है? तो समीक्षा रिव्यू को ऑर्डर 47 में बताया गया है और नियम 1 में दिया गया है, तो यहाँ पे ऑर्डर्स को चेंज किया गया है, बाकी रूल सभी में 1 है। तो जो आपका पहला आंसर है ऑर्डर 47 रूल 1 में रिव्यू के बारे में प्रावधान दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। कितने दिनों की समाप्ति के बाद चेतावनी लागू नहीं होगी? चेतावनी जो होती है वो उसको कैविएट कहते हैं, कि कैविएट जो होता है कैविएट को जो टाइम पीरियड होता है वो 148(a) में दिया गया है कि 90 दिन तक ही प्रभावी रहेगा, उसके बाद प्रभावी नहीं रहेगी, तो आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल अपराधों का वर्गीकरण किसके अधीन किया गया है? समनीय और असमनीय अपराधों को CRPC दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 320 में बताया गया है, और CRPC की धारा 321 में अपराधों का अभियोजन के द्वारा वापस लिए जाने के बारे में बताया गया है, तो प्रश्न के अनुसार आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। CRPC की धारा 164 के तहत कबूलनामा कौन दर्ज कर सकता है? तो 164 में कोई भी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट
बयान को दर्ज कर सकते हैं। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 सीआरपीसी की धारा 167 के तहत अपराधों जिनके लिए सजा है मृत्यु, आजीवन कारावास या कम से कम 10 साल की अवधि के कारावास की सजा के अलावा अन्य अपराधों के लिए जांच के दौरान नजरबंदी की कुल अवधि के लिए सीमा क्या है। फ्रेंड्स, सीआरपीसी की जो धारा 167 है उसमें कस्टडी जो बताई गई है, दो प्रकार की कस्टडी बताई गई है, एक तो पुलिस कस्टडी और दूसरा जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी सिर्फ 15 दिन तक ही दी जा सकती है और जुडिशियल कस्टडी जो कि ये बता रहे हैं यहाँ पे कि मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के जो कि कारावास की सजा जिसमें दी जाती है उसमें जो होती है जुडिशियल कस्टडी 90 दिन की दी जाती है, परंतु यहाँ पे कहा गया है कि कम से कम 10 साल की अवधि के कारावास की सजा के अलावा, मतलब जो 10 वर्ष से कम के जो अपराध होंगे उनमें कितनी दी जा सकती है, तो उसमें 60 डेज, जो कि 10 वर्ष से कम के जो अपराध होंगे उनमें 60 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी जा सकती है और जो 10 वर्ष से ऊपर के कारावास होंगे, 10 वर्ष तक के कारावास होंगे, आजीवन कारावास और मृत्यु के संबंध में होंगे अपराध, तो उनमें 90 दिन की कस्टडी दी जाती है और जो पुलिस कस्टडी दी जाती है सिर्फ 15 दिन के लिए। यदि पुलिस 15 दिन या 60 दिन या 90 दिन में चालान पेश करने में असमर्थ रहती है तो अभियुक्त को जमानत का अधिकार प्राप्त हो जाता है, अभियुक्त अपनी जमानत करवा सकता है। अगर 15 दिन, 60 दिन, 90 दिन में कोई भी पुलिस चालान प्रस्तुत नहीं कर सक पाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 यदि पति ने धारा 125 के तहत परित्याग के आधार पर पत्नी के खिलाफ तलाक का फरमान प्राप्त किया है तो क्या पति के खिलाफ रखरखाव का दावा करने के लिए पत्नी के लिए कोई रुकावट नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि तलाक के बाद भी पत्नी भरण पोषण की हकदार होती है जब तक कि वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती है, तो प्रश्न के अनुसार आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 145 आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा डाली गई बलात्कार की पीड़िता की चिकित्सा परीक्षा से संबंधित कौन सी धारा है। वो धारा 164 में बलात्कार की पीड़िता के बारे में प्रावधान किया गया है, बलात्कार की जो शिकार महिला होगी उसकी चिकित्सा परीक्षा के बारे में, और धारा 166 ये कहती है कि जो भारत के बाहर किसी अधिकारी को जो सक्षम प्राधिकारी होगा उसको अनुरोध पत्र भेजा जाएगा, और 166 भी ये कहती है कि जो बाहर के देश होंगे वो कि भारत में किसी सक्षम अधिकारी को अनुरोध पत्र भेजेंगे, और जो 53 ये कहती है कि बलात्संग के अपराधी जो होंगे उनकी चिकित्सा परीक्षा, जो बलात्संग के अपराधी व्यक्ति होंगे 53 ए में उनकी चिकित्सा परीक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है। तो प्रश्न के अनुसार जो आंसर है कि बलात्कार की पीड़िता, तो पीड़िता का जो चिकित्सा परीक्षा होगी वो धारा 164 ए के तहत होगी, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में मध्यस्थ को किसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। तो इसमें स्वयं पक्षकार भी प्रार्थना पत्र देके मध्यस्थ को नियुक्त करवा सकते हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भी नियुक्त किए जा सकते हैं। तो प्रश्न के जो अनुसार है आंसर ए और सी सही है, तो आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 एक मध्यस्थ पुरस्कार को खारिज प्रदान करने के लिए पार्टी द्वारा किसकी प्राप्ति के कितने दिनों के अंदर आवेदन किया जा सकता है। तो 3 महीने के अंदर किया जा सकता है, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 सुलहकर्ते की नियुक्ति का प्रावधान किसके अंतर्गत दिया गया है। तो धारा 64 में दिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 प्रांतीय छोटे कारण न्यायालय अधिनियम 1987 को लागू किया गया था। तो जो प्रांतीय छोटे कारण के जो न्यायालय होते हैं स्मॉल काज कोर्ट्स को जो लागू किया गया था 1 जुलाई 1887 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 छोटे कारणों की अदालतों को समाप्त करने के लिए कौन अधिकृत है। तो राज्य सरकार अधिकृत है, आंसर बी सही है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल जज लॉ पेपर को सॉल्व किया और उसके एक्सपेक्टेड आंसर को जाना। वैसे तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर आपको दूँ, पर हो सकता है करीब 10 प्रश्नों के उत्तर देने में मैं असफल रहा हूँ, उसके लिए आपको ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करना होगा। एक्सपेक्टेड आंसर की से आप अपनी मेरिट का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई भी प्रश्न जिसका कि आंसर सही नहीं है उसको अकॉर्डिंग टू लॉ में कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें। इन सब के बावजूद जो भी अंतिम निर्णय जो भी होगा तो वो बीपीएससी की जो कि ऑफिशियल आंसर की आएगी उसी से होगा।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।